मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा प्रदेश आह्वान पर समस्त जिलों में रैली निकाल कर जिला कलेक्टर को इस पर पत्र भेंट किया। इसके अनुसार देवास में भी उक्त आंदोलन हुआ, इसमें जिले भर के पटवारियों ने हिस्सा लिया। संघ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे ने बताया कि पटवारी स्वर्ग की कई वर्षों से लंबित नियोजित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा अनुसार शासन का ध्यान आकर्षण कराने हेतु मंगलवार को समस्त पटवारी मदार स्मृति मंदिर में एकत्रित हुए, जहां सभा आयोजन की गई। सभा में संघ के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष सहित तहसील अध्यक्षों ने अपनी नेतृत्व दी तथा पश्चात रैली प्रारंभ, जो तहसील चौराया गोयाम एपी रोड होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहाँ कलेक्टर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन आयुक्त भोपाल, राजस्व मंत्री एवं प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टर को स्मरण पत्र सौंपा गया। पटवारियों की मांग है कि ग्रेड पे को 2800 करते हुए समय मान वेतन मान विसंगति को दूर की जाने की मांग है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व मंत्री द्वारा भी पटवारी को वेतन मान 5200 से 20200 ग्रेड पे किए जाने के लिए वर्ष 2019 में लिखित आश्वासन पत्र दिया गया है, किंतु अभी तक उक्त वेतन मान स्वीकृत नहीं हुआ। पटवारी की दूसरी मांग है कि उन्हें उनके गृह जिले में पदस्थ किया जाए, जिससे वे अपने पारिवारिक दायित्वों का पालन कर सके। उनकी तीसरी मांग है कि नव नियुक्त पटवारी के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता संबंधी नियम को समाप्त किया जाए। यदि समय से वेतन मांगे पूरी नहीं हुई, जिले भर के पटवारी 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। और पुनः स्मरण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाम दिया है, जिसमें हमने हमारी प्रमुख मांग, जिसमें 2800 ग्रेड पे जो हमारी 22 वर्षों से लंबित ग्रेड पे है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2007 में सनावत सम्मेलन में घोषणा की थी कि पटवारियों को उनके 2800 ग्रेड पे दी जाएगी, लेकिन पिछले विगत 15 वर्ष हो गए, इसके बावजूद भी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन ही दिया है। हमारी तीन हड़तालें हो गई, तीन हड़तालों में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर हमारी हड़तालें समाप्त की, लेकिन आज तक हमारी प्रमुख मांग 2800 ग्रेड पे हमको नहीं मिली है। इस बार मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरा प्रदेश का पटवारी बहुत असंतोष और बहुत क्रोधित है। यदि इस बार हमारी 2800 ग्रेड पे की लड़ाई जो है बहुत लंबी चलेगी, और यदि हमारे 2800 ग्रेड पे की मांगे आसान तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मान ली जाती है, तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अगली लड़ाई के लिए भी पूरे मध्यप्रदेश के पटवारी के साथ देवास जिले का पटवारी तैयार। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।